नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। मणिपुर पुलिस ने मंगलवार को कहा कि हम उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने महिला की हत्या का वीडियो वायरल किया है। पुलिस ने कहा, हमने 24 जुलाई को केस दर्ज किया है। इस वीडियो में बताया गया है कि हथियारबंद लोगों ने मणिपुर में महिला की हत्या की, जबकि ये घटना म्यांमार में हुई थी। वीडियो फैलाने का मकसद राज्य की शांति भंग करना और दंगे भड़काना था। इसके साथ ही मणिपुर पुलिस ने दो महिलाओं को निवस्त कर घुमाने केस में सातवें आरोपी को गिरफ्तार किया है। 19 जुलाई को इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था। इस बीच आज मिजोरम में कुकी समुदाय के समर्थन में रैली निकाली जाएगी। इसके समर्थन में ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद की गई है और मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने सरकारी दफ्तरों को भी बंद रखने का आदेश दिया है। मणिपुर सरकार ने सोमवार देर रात असम राइफल्स से भारत में म्यांमार नागरिकों की घुसपैठ की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने असम राइफल्स से पूछा कि सिर्फ दो दिनों में 718 म्यांमार नागरिक बिना पर्याप्त दस्तावेज के भारत में घुस गए। इसमें 209 पुरुष, 208 महिलाएं और 301 बच्चे हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।